हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेनमार्क ओमेन और स्वीडन ओमेन के बीच जो कल मैच खेला जाने वाला है दोपहर को 1:30 बजे, उसके मैच प्रीव्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि देखिए, आपको अगर फाइनल टीम चाहिए उसके साथ टॉस रिपोर्ट, मैच रिपोर्ट, साथ में यहाँ पर वेदर कंडीशन के न्यूज आपको अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर जाके टारगेट इन फैंटेसी लिख के सर्च कीजिए, तो वहाँ पर आपको एक 500+ सब्सक्राइबर वाला चैनल मिल जाएंगे, वो चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे, जैसे कि 2K 7K सब्सक्राइबर वाला चैनल भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो सारे चैनल्स आपको नहीं ज्वाइन करना है, वो बहुत ही फेक चैनल्स अभी बन चुके हैं। तो इसलिए हम आपको बार बार ये कह रहे हो कि आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आप सही चैनल को ज्वाइन करो, ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करो। हमको यहाँ पर आपको एक बार प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो गाइस देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो ओरिजिनल चैनल है वो 546 सब्सक्राइबर वाला चैनल है, बाकी यहाँ पर जो 1000 सब्सक्राइबर, 23 सब्सक्राइबर, 3 सब्सक्राइबर, ये सारे चैनल्स फेक है। तो ये चैनल्स को आपको बिल्कुल मत ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हमारे ओरिजिनल चैनल ये है, तो आपको ये चैनल ही ज्वाइन करना है। फाइनल टीम के लिए स्मॉल का जो हम फाइनल टीम देते हैं, जिस टीम के साथ हम लगातार विनिंग कर रहे हैं, तो आप खुद आके यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर पिन मैसेज पर सारे डिटेल्स दे के रखा है, विनिंग रिजल्ट्स। और आपको यहाँ पर आना है चैनल पर और आके खुद से चेक करना है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर मैच की तरफ। देखिए, आपको और एक बात बता दूँ कि अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम चैनल की, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाओ, वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो लिंक में क्लिक करके आप वहाँ से डायरेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हो। तो देर किस बात की, फाइनल टीम के लिए सारे मैच के अपडेट्स के लिए आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पर मैच कहाँ पर खेला जाएगा। कोल्सबा में ये मैच खेला जाने वाला है, कोल्सबा क्रिकेट स्टेडियम पर। तो यहाँ पर बाउंड्री डायमेंशन बहुत ही छोटा रहने वाला है, बेसिकली बैलेंस पिच रहेगा। पहला मैच है यहाँ पर, ये सीरीज का पहला मैच है, तो यहाँ पर छोटा बाउंड्री रहेंगे। हालांकि ओमेंस मैचों में ज़्यादातर छोटा ग्राउंड ही रहता है, तो यहाँ पर भी छोटा बाउंड्री रहने वाला है। 125 तक यहाँ पर हम स्कोर एक्सपेक्टेड कर सकता है, लेकिन ये दोनों ही बिल्कुल नए टीम है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर उतना ज़्यादा स्कोर भी नहीं बन सकते हैं। तो पहला मैच हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट मैच में जाके ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो इस मैच में, पहला मैच में आप इन्वेस्ट कम रखिए, ज़्यादा आपके पास हो सके आप उतना ही कम इन्वेस्ट रखिए। लास्ट जो लगातार मैचेस खेला है स्वीडन ओमेन खेला है, डेनमार्क ओमेन अभी तक रिसेंट में कोई मैचेस नहीं खेला, और जितना मैचेस खेला उनमें से 3 मैच खेला और 3 मैच ही यहाँ पर स्वीडन ओमेन ने जीता। नॉर्वे ओमेन के साथ जो सीरीज हुआ था वहाँ पर 3 मैचेस स्वीडन ओमेन ने जीत लिया था। पहला मैच 9 विकेट पर जीते, और देखिए सेकंड मैच 8 विकेट में जीते, और थर्ड मैच यहाँ पर 2 विकेट से जीते। तो यहाँ पर हर एक मैच में कैसे जीते आप देख सकते हैं कि चेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर स्वीडन ओमेन यहाँ पर चेस कर रहे हैं तो चेस में ये अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए अगर ये टीम चेस कर रहे हैं तो ये जीत सकते हैं इस मैच को, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और डेनमार्क ओमेन की बात करें, हाल ही में कोई अभी तक उतना ज़्यादा मैचेस नहीं खेला, तो इसलिए स्टार सबके पास नहीं रहेंगे। तो देखिए, नया मैच है, तो जितना स्टार्स हमारे पास आए तो हम उतना ही आपको बता रहा हूँ। अभी प्लेयर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, तो पहले आपको कुछ बात बता देता हूँ। और हेड टू हेड स्टैट्स की बात करते हैं सबसे पहले, कि अभी तक ये दोनों मैच अपने सामने नहीं हुए हैं, तो इसलिए हेड टू हेड स्टैट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ पर टीम्स की तरफ, मतलब हम प्लेयर के डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि देखिए, यहाँ पर एस लुंडेल जो है सूर्य रमन की तरफ से विकेट कीपरिंग करेंगे, तो ये यहाँ पर लास्ट मैच में 13 रन बनाकर आ रहा है। और बैटिंग में जो यहाँ पर रन बना है, के राणा है, कंचन राणा है 27 रन बनाया, और अभिलाषा सिंह ये 10 रन किए। साथ में यहाँ पर सिंह ने लुंडल जो है यहाँ पर हमने आपको बता दिया विकेट कीपरिंग सेक्शन पर है। तो ये 3 प्लेयर्स को लास्ट मैच की स्टैट्स मिले। बाकी यहाँ पर विकेट्स लेने की बात करें, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, गुंजन शुक्ला यहाँ पर जो है बॉलिंग सेक्शन पर आपको मिलेगी, नहीं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन पर आपको मिलेंगे। ये प्लेयर जो है लास्ट मैच में यहाँ पर देखिए बहुत ही मतलब अच्छे बॉलिंग की, 4 ओवर बॉल डाले, 2 ओवर मेडन किए, 5 रन दिए और साथ में 1 विकेट निकाला। उसके साथ यहाँ पर है जो नेहा कयानी मिलेंगी आपको यहाँ पर विकेट, सॉरी ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ये लास्ट मैच में यहाँ पर 4 ओवर बॉलिंग डाल के 2 विकेट निकाला। उसके साथ यहाँ पर ए वैद्या जो है यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में, ये 1 विकेट निकाला। साथ में देसी होम जो है बॉलिंग सेक्शन में, तो ये 1 विकेट निकाला। देखिए ये गई स्वीडन ओमेन की बात, और डेनमार्क की बात करें थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं विकेट कीपरिंग सेक्शन पर रहेंगे यहाँ पर डी गोलेशा, साथ में बैटिंग में आपको आपके लिए रहने वाले एन सीएली होम और एल मैरी क्रिश्चियन, साथ में यहाँ पर ए बारिया ब्लैंग और ए मनसोन मैनन आर्थोजर, और उसके साथ यहाँ पर ए ब्रुक्सले अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर अभी एक टीम बनाएंगे हम स्मॉलिक का डेमो टीम,
लेकिन फाइनल एंट्री आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं टीम बनाने के। तो अभी देखिए विकेट कीपरिंग सेक्शन पर हमारी टीम पर रहेंगे डी गोले, चाहिए शायद ओपनिंग करेंगे इस मैच में डेनमार्क की तरफ से, तो आप इसको ले सकते हो, आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर एस लुंडर को भी ले सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही सेफ प्लेयर है, यहाँ पर अच्छे कर सकता है। बैटिंग सेक्शन की तरफ यहाँ पर एक बात देखें तो यहाँ पर ए सिंह रहेंगे, के राणा रहेंगे, उसके साथ एन सेसीएले होम ये रहेंगे डेनमार्क की तरफ से। बाकी यहाँ पर जो प्लेयर्स है ई एसिम है, एस कर्सन ब्यूच है, एल मैरी क्रिश्चियन, आर समसेकर, ये चार प्लेयर्स आपके लिए गैलेक्सी पर अच्छा रहने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ एक बार यहाँ पर नज़र डालें तो जी शुक्ला आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक, जो कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की चॉइस भी रहने वाले हैं, तो आप इसको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में से यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। ए ब्रारप लांग यहाँ पर देख लीजिए डेनमार्क की तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ रहेंगे। ए वाई दिया अच्छा स्टेट्स था लास्ट मैच का, तो ये यहाँ पर अच्छा कर सकता है। मगर यहाँ पर एन कियानी रहेंगे, तो इसको चार ओवर बॉलिंग मिलेंगे, साथ में ए वाई दिया और गुंजन शुक्ला, ये तीन प्लेयर्स को यहाँ पर चार ओवर मास्ट भी बॉलिंग मिलेंगे। बाकी यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्लेयर्स का नाम उन्होंने आपको पहले बताया कि डी होम जो है इसको चार ओवर बॉलिंग मिल सकते हैं, तो ये हमारे टीम पर रहेंगे। बाकी यहाँ पर एन आर थोजर और उसके साथ एस रवेरी, तो इस ए प्लेयर को भी यहाँ पर चार ओवर बॉलिंग मिल सकते हैं। बाकी बॉलिंग में आपके लिए रहेंगे ए ब्रोक्सले, एस लिंडन, ए ब्रोक्सले और सी पलेसन, तो ये तीन प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छा रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ आप देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर आपके लिए और अच्छा रहने वाला है, ए मैनो नेल्सन और के रोस्टेड मॉस, तो ये प्लेयर आपके लिए अच्छे हो सकता है ग्रैंड लीग के लिए। अभी यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की बात करेंगे, देखिए गुंजन शुक्ला यहाँ पर हमारी टीम का कैप्टन रहेंगे और यहाँ पर वाइस कैप्टन रहेंगे ए वैद्या। बाकी यहाँ पर आप चाहे तो ए ब्रारप लांग के साथ जा सकते हो और एन कियानी को भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। गुंजन शुक्ला यहाँ पर बैटिंग भी थोड़ा सा यहाँ पर फाइव या सिक्स नंबर पर आएंगे, ए वैद्या बैटिंग में ऊपर आएंगे, तो इसलिए ये दोनों प्लेयर्स हमारी टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। सेव करके यहाँ पर आपको टीम प्रीव्यू दिखाऊंगा और वहाँ पर हमने ग्रैंड लीग का भी थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। देखिए यहाँ पर विकेट कीपरिंग सेक्शन पर है डी गोलेजा डेनमार्क की तरफ से। बैटिंग में आप देख सकते हैं कंचन राणा, ए सिंह, एन सेलेहोम, तीन प्लेयर्स रहेंगे बैटिंग में। ऑलराउंडर की तरफ एक बार आप देखें तो यहाँ पर जी शुक्ला, गुंजन शुक्ला, एन कियानी, ए वैद्या, ए भैरव लॉन्ग, डी होम, एस रवेरी और आर थोजर नियल यहाँ पर रहेंगे बॉलिंग में। तो अभी थोड़ा सा देख लीजिए कैप्टन से वाइस कैप्टन की बात, हमारे लिए सेफ कैप्टन रहेंगे जी शुक्ला, सेफ वाइस कैप्टन रहेंगे यहाँ पर ए वैद्या। और आपके लिए गैलिक पर कौन कौन से प्लेयर अच्छे चॉइस हो सकते हैं, देखिए के राणा ओपनिंग करेंगे स्वीडन की तरफ से। देखिए अगर स्वीडन की यहाँ पर जो चेसिंग रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, अगर चेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल के राणा के साथ जाइए कैप्टन और वाइस कैप्टन, पहले बैटिंग करने में भी आप जा सकते हो, क्योंकि देखिए स्वीडन नमन के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है मोर देन यहाँ पर डेनमार्क ओमन, तो इसलिए आप स्वीडन नमन के ऊपर बेस करके यहाँ पर क्या बोलते हैं उनको स्वीडन ओमन टीम के फेवर में आप यहाँ पर टीम बनाइए। बाकी यहाँ पर ए सिंह है, ये भी ओपनिंग कर सकता है, एन कियानी, डी गोलेचा यहाँ पर अगर ओपनिंग करे डेनमार्क की तरफ से, ये अगर ओपनिंग करे तो आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। के राणा, ए सिंह, डी रोलेचा, एन कियानी, डी होम, यहाँ पर ए भैरव लॉन्ग, तो यहाँ पर ये जो छः प्लेयर्स का नाम हमने अभी यहाँ पर आपको बताया, छः नहीं यहाँ पर पाँच प्लेयर्स का नाम हमने अभी आपको बताया, एक दो तीन चार पाँच हो गए, तो ये पाँच प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग्स पर अच्छे चॉइसेस हो सकते हैं। तो आपको तभी ये पाँच प्लेयर्स साथ आ जाए कैप्टन और वाइस कैप्टन जाना पड़ेगा जब आप ग्रैंड लीग पर टीम बना रहे हो, तभी आप ये प्लेयर्स साथ आ जाए कैप्टन और वाइस कैप्टन जाओ। और साथ में यहाँ पर स्मॉल लीग का जो ये सेफ कॉम्बिनेशन है इसको आप सेफ रखो, क्योंकि देखिए दो तरीके का रिस्क नहीं ले सकते, कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन कर रहे हो तभी प्लेयर्स को सेफ रखो, तो ऐसे करके आप ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो सके बना के आप ज्वाइन करो। देखिए और एक बात ध्यान से सुनिए कि पहला मैचेस है, फास्ट मैच है सीरीज का, तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम रखने के लिए, पहला मैच में आप देखेंगे फिर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन होगा, फिर आप जाके एक अच्छा सा टीम बना के हाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्मॉल लीग पर। तो फिर ले रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम फाइनल भी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस अपडेट्स आप तक पहले मिल जाए। और एक अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।